हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे सामने आप ये बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत प्लांट देख रहे हो। इन सभी की शॉपिंग करके आई हूँ, तो इनके नेम और प्राइस आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। सो इनमें से कुछ प्लांट हमारे अभी फूल देने वाले हैं सर्दियों में, और कुछ प्लांट मैं लेकर आई हूँ परमानेंट। परमानेंट प्लांट जब हम इस टाइम पर लेते हैं तो क्या होता है कि एक तो इस टाइम पर हमें सीजन के अकॉर्डिंग थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, तो आप इस टाइम पर ले सकते हो। लेकिन अभी इनको अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो इनकी रूट्स को बिल्कुल डैमेज नहीं करना है। और दूसरी बात, अगर आपके प्लांट पॉट में है तो आपको ऐसे के ऐसे ही इन्हें 2 महीने के लिए रख देना है। तो फर्स्ट प्लांट आप मेरे सामने देख रहे हो मैरीगोल्ड। वैसे मेरे पास मैरीगोल्ड की बहुत सारी वैरायटी हैं, पहले मैं लेकर आई थी, लेकिन ये वाला कलर मुझे बहुत ही सुंदर लगा, इसलिए ये प्लांट लेकर आई हूँ मैं 7 से 8। मैरीगोल्ड के फूलों की खुशबू मुझे बहुत पसंद है, और सबसे अच्छी बात है कि इसका फूल एक बार खिलने के बाद ना कम से कम 10 से 15 दिन तक ऐसे के ऐसे ही आपको फ्रेश दिखाई देगा। आप मैरीगोल्ड को वैसे अपने घर पर भी इजी से ग्रो कर सकते हो, कटिंग से भी और सीड से भी, या फिर आप 20-20 रुपीज़ के नर्सरी से भी ला सकते हो। नेक्स्ट है हमारा इम्पेशियन, या फिर बालसम भी इसको बोलते हैं। इस प्लांट को हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इसे सुबह की सिर्फ आधा घंटे की धूप मिले, उससे ज़्यादा धूप नहीं, और पानी बिल्कुल नॉर्मल, ना तो बहुत ज़्यादा और ना बिल्कुल कम। पत्तियाँ इसकी नहीं सूखनी चाहिए। प्राइस ये प्लांट मुझे मिले हैं 150 का एक प्लांट मिला है। मैं इसके 2 प्लांट लेकर आई हूँ, दोनों कलर, क्योंकि इसके बहुत सारे कलर होते हैं। ये प्लांट ऐसा है कि इसके फूलों के साथ साथ इसकी पत्तियाँ भी बहुत ही सुंदर लगती हैं। इसकी कलर भी बहुत सारे होते हैं और वैरायटी भी बहुत सारी होती हैं। इसमें एक मिनी बालसम जो होते हैं, जिनके प्लांट भी छोटे ही रहते हैं और उन पर फूल भी छोटे ही रहते हैं, उन्हें ज़्यादातर से हैंगिंग पॉट में लगाते हैं ना, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं वे प्लांट। और बालसम ज़्यादातर से पत्तियों के लिए भी अपनी पसंद किए जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा बेगम बहार बोलते हैं इस प्लांट को। ये इसके फूल पर्पल कलर के इस पर फूल आएंगे, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। कलियाँ देखिए आप कितनी सारी बनी हुई हैं, एकदम, मतलब ये प्लांट मुझे देखते ही एकदम पसंद आ गया। अभी इसके फूल झड़ चुके हैं, लेकिन जिस टाइम मैंने इसको वहाँ से लिया तो इसके फूल देखकर ही मैंने इसको लिया था। इसी पॉट में देखिए इसका फूल पड़ा भी है, और ये एक प्लांट हमें 160 का मिला है। ये प्लांट को भी हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर इसे कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप बढ़िया वाली मिल जाए। गर्मी में हम इसको रख सकते हैं इतनी धूप में, लेकिन अभी जैसे सर्दी है तो हम इसको पूरा दिन की धूप में रख सकते हैं। नेक्स्ट अल्टरनेथ्रा का एक प्लांट लेकर आई हूँ। इसकी पत्तियों का कलर मुझे बहुत ही सुंदर लगा। वैसे अल्टरनेथ्रा की मेरे पास और भी कई सारी वैरायटी है, सतरंगी भी बोलते हैं इनको, कई सारे नामों से जाना जाता है। और ये एक प्लांट उन्होंने मुझे 60 रुपीज़ का दिया है। इसका अभी सीजन भी नहीं है, गर्मियों में ये अच्छे से सर्वाइव करते हैं, लेकिन मिल रहा था तो मैं लेकर आ गई हूँ। और इसे प्लांट को मैं कटिंग से अपने घर पर कई सारे इसके तैयार कर लूँगी। नेक्स्ट पिटोनिया के कुछ प्लांट लेकर आई हूँ। पिटोनिया के मिनिमम शायद से 7 से 8 प्लांट में लेकर आई हूँ, और एक प्लांट मुझे 20 रुपीज़ का मिला है। पिटोनिया में पहले भी लेकर आई थी, उन पर तो कलियाँ और फूल अच्छे से आने भी लग गए हैं। इधर भी कुछ मैरीगोल्ड के ही प्लांट रखे हैं, क्योंकि मैरीगोल्ड के भी शायद से 8 से 10 प्लांट हैं। कुछ सारे कलर में हैं, ऑरेंज है, येल्लो है, और डार्क रेड है, ऑरेंज है, कई सारे कलर में मैरीगोल्ड में लेकर आई हूँ। मैरीगोल्ड बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, जितना अपने घर में डेकोरेट के लिए ऐड करो उतना कम है। नेक्स्ट ड्रेसिना के 2 प्लांट लेकर आई हूँ। लकी प्लांट भी इसको बोला जाता है, ड्रेसिना प्लांट भी बोला जाता है। इनकी आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती है। ये वाला प्लांट जो है हाइब्रिड है और पॉट में लगा हुआ है। तो एक प्लांट हमें मिला है ये 200 का, और इसके हम 2 प्लांट लेकर आए हैं। काफ़ी घना प्लांट है, और एक ही प्लांट के पास से दूसरी स्टेम भी निकली हुई है। तो तैयार प्लांट जब हम लेते हैं पॉट में, हाइट बिल्कुल अच्छी होती है, तो वो हमें महंगे ही मिलते हैं। तो ड्रेसिना को आप डेकोरेट के पर्पज़ से छाया में रख सकते हो। नेक्स्ट प्लांट है हमारा मोरपंखी। ये मोरपंखी
थूजा भी बोलते हैं। इनकी भी दो तीन वैरायटी होती हैं, हाइब्रिड होती हैं, देसी होती हैं, और इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है। तो एक प्लांट हमें 100 रुपीज़ का मिला है। इसके भी मैं दो ही प्लांट लेकर आई हूँ। मोरपंखी जो प्लांट होता है ये काफ़ी लकी प्लांट होता है, और बोलते हैं कि घर में इसके दो ही प्लांट रखने चाहिए, यानी कि जोड़ा इनका रखना चाहिए। मोरपंखी की जो देसी वैरायटी होती है उस पर बीज बनता है, तो आप इसे अगस्त सितंबर में इसके बीजों से अपने घर पर भी तैयार कर सकते हो। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे छाया में रखिए, धूप में रखिए, ये बिल्कुल जल्दी से ख़राब नहीं होता है। नेक्स्ट गोल्डन साइपर्स प्लांट लेकर आई हूँ। गोल्डन जुड़ीपर भी इनको बोलते हैं, साइपर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके भी बहुत सारे नाम होते हैं और बहुत सारी इनकी वैरायटी होती है। ये एक प्लांट हमें 300 का मिला है, क्योंकि ये भी पॉट में लगा हुआ है और हाइट इसकी कम से कम 4 से 5 फीट हो रखी है। इसकी हाइट काफ़ी अच्छी हाइट का प्लांट है, और ये भी डेकोरेट के लिए हमें ऐसी जगह रखना होता है जहाँ पर इसे आधा एक घंटे की धूप मिल जाए। पूरा दिन की धूप में आप मत रखिए, पूरा दिन की धूप से क्या होता है, इनकी लीव्स है ना ब्राउन होने लग जाती हैं, तो आप इन्हें 1 से 2 घंटे की धूप में भी रख सकते हो। बालकनी गार्डन के लिए, ड्राइंग रूम के लिए, किसी कॉर्नर, जैसे कॉर्नर कोई होता है उसमें डेकोरेट के लिए इन प्लांट को आप रख सकते हो। आपके घर में देखने से भी सुंदर लगते हैं और ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल कोई प्लांट रखे हुए हैं ये वाले प्लांट। नेक्स्ट ये गुलदावदी लेकर आई हूँ। गुलदावदी के दो प्लांट लेकर आई हूँ। एक प्लांट हमें 40 रुपीज़ का मिला है। वैसे इस टाइम पर मेरे जो प्लांट है पिछले साल के, उन पर कलियाँ बहुत सारी बनी हुई हैं, फूल अभी नहीं खिले हैं। इनके फूल खिले हुए थे और ये वाला कलर भी मेरे पास से ख़त्म हो गया था, क्योंकि इनमें कीड़ा बहुत ही जल्दी लगता है, और कीड़े के लिए मैंने आपको बताया हुआ है नीम ऑयल वगैरह, तो आप उसका स्प्रे कर सकते हो। नेक्स्ट चांदनी का प्लांट लेकर आई हूँ। वैसे ये गर्मियों में सर्वाइव करता है, लेकिन अभी मैं लेकर आ गई हूँ, वहाँ पर रखा था इसलिए। और ये चांदनी का प्लांट भी हमें 30 रुपीज़ का ही मिला है। सिंगल फूल वाला जो होता है ये वही है, एक चांदनी में डबल पेटल वाला भी आता है, अगर आपको वो मिले आप वो भी रख सकते हो। नेक्स्ट विंका का प्लांट लेकर आई हूँ। विंका के भी शायद से 3 से 4 प्लांट हैं, और एक प्लांट हमें 20 रुपीज़ का मिला है। विंका ये हाइब्रिड है, जो कि सर्दियों में भी फूल देते हैं, गर्मियों में भी फूल देते हैं, और अभी इस टाइम पर ये आपको नर्सरी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। विंका में फंगस जल्दी से अटैक होती है, उसके लिए आप फंजीसाइड पाउडर को टाइम टाइम पर स्प्रे करते रहिए, या फिर आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं, हल्दी भी बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके बाद फ्रेंड्स आरी के पाम लेकर आई हूँ। दो प्लांट लेकर आई हूँ और बहुत ही बड़े बड़े दोनों प्लांट हैं और घने हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी हो रखी है, बिल्कुल एक भी पत्ती ब्राउन नहीं है। और एक प्लांट हमें ये वाला 250 का एक प्लांट मिला है। दो लेकर आए हैं, डेकोरेट के लिए छाया में रखने वाला बेस्ट प्लांट है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।